और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली एनसीआर में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में एक आतंकी छिपा हुआ हो सकता है, ये इस वक्त बड़ी खबर है। देश में वैसे भी आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, ये नया साल और इसका जश्न आतंकी हमले के आशंका के साए में गुजरेगा। नेपाल के रास्ते आतंकियों के घुसने की खबर मिल रही है, दिल्ली एनसीआर में आतंकी हो सकते हैं, एक आतंकी गाजियाबाद में छिपा हुआ हो सकता है, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि 10 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हैं, ऐसी उनके पास जानकारी है, जिसमें से एक आतंकी गाजियाबाद में छिपा हुआ हो सकता है, कुछ आतंकी दिल्ली एनसीआर के कुछ और इलाकों में भी हो सकते हैं। श्रीपाल शक्तावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रीपाल, क्या कुछ खुफिया अलर्ट इस बाबत मिला है और क्या कोई स्पेसिफिक इनपुट है खुफिया सूत्रों के पास, खुफिया एजेंसीज के पास, कि 10 आतंकी देश में घुसे हैं? जिन्होंने पहले जो खुफिया जानकारी दी है, उसके बाद में हरियाणा राजस्थान की पुलिस और एनआईए की टीम रक्सोल में पहुंची है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रक्सोल के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत में घुसे हैं 10 आतंकवादी। 20 सितंबर को उन्होंने यहाँ से प्रवेश किया था रक्सोल के रास्ते और 11 सितंबर को वो कराची से रवाना हुए थे। पता ये भी चला है कि उन्होंने फरीदाबाद और गाजियाबाद में विस्फोटक दबाए थे, उसके बाद वो गायब हो गए हैं और किसी भी बड़ी वारदात को वो अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए एनआईए राजस्थान और हरियाणा पुलिस की टीम रक्सोल में पहुंची जानकारियां जुटाने के लिए और उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीपाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल के रास्ते भारत में घुसे हो सकते हैं आतंकी और उन्हीं की तलाश की जा रही है, एक आतंकी गाजियाबाद में हो सकता है छिपा हुआ, ऐसी जानकारी खुफिया सूत्र हमें दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक